हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वासिम्पल में। आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर ऑनलाइन डीएल के लिए अप्लाई कैसे करें, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑनलाइन डीएल के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। आपको बता दें, ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल के लिए अप्लाई करने से पहले आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। तो चलिए अपने पीसी स्क्रीन पर और सीख लेते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सर्च बार में आप टाइप करेंगे सारथी, सिंपली आप एंटर बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। सबसे ऊपर वाले पे आपको क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। इंडिया में जिस भी स्टेट से आप होंगे, अपना स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हम बिहार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको अप्लाई ऑनलाइन देखने को मिलता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू लर्नर लाइसेंस और न्यू ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले आपको लर्नर लाइसेंस बनाना पड़ता है। उसके बाद ही आप जो है, एक महीने के बाद जब आपका लर्नर लाइसेंस जो है तैयार हो जाता है, बाद में आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दोबारा से अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप न्यू लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सिंपली आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। प्रोसेस हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है एप्लीकेशन डिटेल्स भर लेना है, एलएल यानी लर्निंग लाइसेंस के लिए। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर करना है, उसके बाद फ़ी पेमेंट करना है। तो आपने अगर सिग्नेचर, फ़ोटो, डॉक्यूमेंट्स स्कैन कॉपी करके नहीं रखा है तो आप स्कैन करके रख लीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पर फ़ोटो, आधार कार्ड, सिग्नेचर, पैन कार्ड पहले से ही स्कैन करके रखा हुआ है। के भी आपको बता दें, यहाँ पर ये 100 के बी में है। फोटो जो है 20 के बी में है, सिग्नेचर 10 से 15 के बी में है और ये 100 के बी में है। ठीक है, हो सकता है जब ये आप वीडियो देख रहे हो तो जो है आपका के बी बढ़ जाए या घट जाए, आप अपने हिसाब से वहाँ पर मैनेज कर लीजिएगा। कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे ऊपर फिजिकली चैलेंज, यहाँ पर देखिए ये सब ओरिजिनल के लिए है और रिफ्यूज के लिए है, ई एक सर्विसमैन के लिए, इसको आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर में ऑप्शन देखने को मिलता है एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस, यानी आप पहली बार आ रहे हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप यही वाला छोड़ देंगे। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यदि आपके पास लर्निंग लाइसेंस है, जो लर्नर लाइसेंस होता है, और उस स्थिति में आप इस पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर पहली बार आए हैं और हम लर्नर लाइसेंस के लिए क्लिक कर रहे हैं, तो हम इसको छोड़ देंगे। सिंपली आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पर पूरी तरह से इसको फिल कर लेना है। फिल कैसे कैसे करना है आपको बता दें। यहाँ पर आप अपना स्टेट चूज़ कर लेंगे, फॉर एग्जांपल बिहार हमने चूज़ कर लिया। आरटीओ ऑफिस जो होता है आपका डिस्ट्रिक्ट में, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से होंगे आप, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका आरटीओ पड़ता होगा, जैसे हमारा औरंगाबाद है, मैं यहाँ पर औरंगाबाद सेलेक्ट कर लिया। पिन कोड बाद में वो ले लेगा। यहाँ पर आप फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे और लास्ट नेम डालेंगे। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, मिडिल नेम कुछ नहीं है, वैसी स्थिति में आप मिडिल नेम छोड़ देंगे। जैसे राजू महतो, तो यहाँ पर राजू लिखेंगे, यहाँ पर महतो लिखेंगे। अगर आपका राजू कुमार महतो है तो यहाँ पर राजू, यहाँ पर कुमार, यहाँ पर महतो लिखेंगे। रिलेशन में यहाँ पर फादर, मदर, हस्बैंड, गार्जियन, तो फादर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फादर का ठीक उसी तरह से फर्स्ट नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद फुल नाम एज पर रिकॉर्ड, अपना नाम यहाँ पर टाइप करेंगे जो आपका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जेंडर चूज कर लेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद पैलेस ऑफ बर्थ है,
यानी आपका पैदाइश कहाँ हुआ है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, आठवां है, दसवां है या फिर आप ग्रेजुएट हैं, अपने हिसाब से सिलेक्ट करिएगा। ब्लड ग्रुप यदि आपको याद होगा तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, अन्यथा इसको छोड़ दीजिएगा। फ़ोन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है जो कि ज़रूरी नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी है, इसको आप बना लीजिएगा, ईमेल आईडी दे दीजिएगा। ईमेल आईडी देने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जो भी यहाँ पर आपका स्टेटस होता है वो आपको ईमेल के थ्रू भेज दिया जाता है। यहाँ पर आपको एक अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, उसके बाद इमरजेंसी में अगर आपका कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पर आप आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यानी आपके फेस पे, आपके हाथ पे, आपके चेहरे पे कोई कट का निशान है या फिर किसी तरह का तिल या मस्सा है तो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। और सेकंड में आपको एक और यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है जो कि हेड में मोल वगैरह आप दे सकते हैं, जैसे कट वगैरह का मार्क दे सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप इसको खाली छोड़ देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर स्टेट बिहार ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिटी जो आपका ब्लॉक होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर विलेज है, टाउन है, यदि आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, विलेज गांव एरिया से, तो आप विलेज छोड़ देंगे। अगर आप टाउन विलेज से बिलोंग करते हैं तो आप टाउन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका हाउस नंबर, डोर, फ्लैट, यदि आप टाउन से बिलोंग करते हो तो, यदि आप गांव से बिलोंग करते हो तो आप अपना गांव का नाम यहां पर मेंशन कर सकते हैं। यहां पर आपको अपना पुलिस स्टेशन यानी थाना लिखना है और यहां पर आपका जो लैंडमार्क है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद यहां पर आपका जो है पिन नंबर टाइप कर देना है। अब यहाँ पर आता है आपको परमानेंट एड्रेस, ये हो गया प्रेजेंट एड्रेस यानी जहाँ पर आप रह रहे हो अभी फ़िलहाल में, और ये आपका होता है परमानेंट एड्रेस जहाँ पर आपका स्थानीय निवास है। यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है वैसी स्थिति में आप कॉपी टू परमानेंट एड्रेस पे जैसे ही टिक करेंगे ये वाला एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल होकर इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस यानी इस एड्रेस पर आप कितने ईयर से रह रहे हो। यदि आप जन्म से हो तो आप अपने हिसाब से डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से यहाँ पर चूज करके लिख लीजिएगा। अब आते हैं नीचे, नीचे में आपको फ्रेंड्स देखने को मिलता है यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की सेलेक्ट मल्टीपल क्लास ऑफ व्हीकल, किस तरह का आप जो है लाइसेंस बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे मोटरसाइकिल विदाउट गियर नन ट्रांसपोर्ट है, यहाँ मोटरसाइकिल लेस देन 50 सीसी है, यहाँ मोटरसाइकिल विथ गियर नन ट्रांसपोर्ट है MCWG। यदि आप बाइक के लिए सिर्फ बनाना चाहते हैं तो ये पर क्लिक करेंगे। और लाइट मोटर व्हीकल ये फोर व्हीलर में आता है, ज़्यादातर लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, जिसको LMV बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है मोटरसाइकिल विथ गियर नन ट्रांसपोर्ट MCWG इसको ही बनाना है। तो जैसे आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे और इस एरो वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट जो कवरेज में है वो आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे पूछ रहा है आई हैव बीन कन्विटेड लाइसेंस वाद कैंसली लाइसेंस वाद रिवोल प्लीज टिक इफ योर अस, यानी किसी स्कूल से आपने अगर प्रशिक्षण लिया है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, यानी ड्राइविंग आप किसी स्कूल से तालीम लिए हैं, सीखे हैं वहां से, तो आप यस करेंगे। यस आप करेंगे तो यहां पर आपको पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा, ट्रेनिंग आपने कहां से लिया, कब लिया, वो सारा डिटेल्स देना पड़ेगा। नहीं लिया तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर है आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गेनाइज, इसका मतलब है यहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ, यानी आपका जब डेथ वगैरह हो जाता है तो आप मरने के बाद जो अपने बॉडी पार्ट को डोनेट करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, तो अगर चाहते हैं तो हाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, नहीं चाहते हैं तो इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर आपको जो आपने भरा वो सारा कुछ सही है या नहीं है, ट्रू है, सब आपको चेक करके यहाँ पर यस पर जो है क्लिक कर देना है। और सारा कुछ फॉर्म फिल करने के बाद सिंपली आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं पॉज और ये सारा कुछ हम फिल करके आपको सबमिट बटन पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो फ्रेंड्स हमने सारा फॉर्म जो है अच्छे तरीके से भर लिया है, अब सिंपली हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। आर यू श्योर यू वॉन्ट टू सबमिट द डाटा, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा, आप सिंपली इसको जो है प्रिंट कर लेंगे। तो चलिए हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। अब आपको फ्रेंड्स सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, तो चलिए नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेते हैं।
अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आपने सबसे पहले एप्लीकेशन डिटेल्स LL यानी लर्निंग लाइसेंस के लिए जो एप्लीकेशन डिटेल्स है उसको आपने कंप्लीट कर लिया है। ये कंप्लीट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है, जब जाकर यहाँ पर आपको कंप्लीट फिट दिखाई देगा। हम क्या करेंगे, सिंपली प्रोसेड पे क्लिक करेंगे। प्रोसेड पे क्लिक करने के बाद सिंपली फिर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले एज प्रूफ, उसके बाद प्रूफ में यहाँ पर पैन कार्ड, डॉक्यूमेंट्स नंबर जो होगा पैन कार्ड का वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे, और यहाँ पर आपका जो इशू ऑथराइज जो है डॉक्यूमेंट्स कहाँ से इशू हुआ है, जैसे पैन कार्ड तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और इशू डेट कब इशू हुआ है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद चूज़ फाइल पे आप क्लिक करेंगे और जो आपने पैन कार्ड स्कैन कॉपी रखा था 200 KB के अंदर होना चाहिए उसको यहाँ से चूज़ करके अपलोड करेंगे। तो चलिए ये सारा कुछ फिल करके हम चूज़ फाइल पर क्लिक कर लेते हैं। कम बटन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद से हमें अब एड्रेस प्रूफ यहाँ पर अपलोड करना होगा। एड्रेस प्रूफ, प्रूफ में हम यहाँ पर आधार देंगे, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आपके पास आधार नहीं होगा तो आप पासपोर्ट, वोटर आईडी, LIC पॉलिसी या राशन कार्ड दे सकते हैं। हम यहाँ आधार कार्ड फिल करेंगे, उसके बाद आधार नंबर यहाँ पर छोड़ देंगे, ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। इशू ऑथराइज डिजाइन ये आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर आप UIDAI टाइप कर सकते हैं। सिंपली चूज़ फाइल पे हम क्लिक करेंगे और हमने जहां आधार रखा है वो आधार यहां से सेलेक्ट करेंगे और अपलोड बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहां पर ये ओनली JPG लिख रहा है, इसका मतलब हमने जो यहां से फाइल उठाया है वो JPG में नहीं है। तो चलिए JPG 1 वाला पे हम क्लिक करेंगे और इसे अपलोड कर देंगे। अपलोड देखिए ये हमारा अपलोड हो चुका है, अब हम सिंपली कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे। कंफर्म बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए दो स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया, एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। अब आपने डॉक्यूमेंट्स देना है Form 1 सेल्फ डेलीगेशन, ठीक है। तो इसे देने से पहले आपको मैं बता दूं, अभी आप सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म दोगे तो उसमें आपका हस्ताक्षर नहीं आएगा, सिग्नेचर नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, अभी ये वाला जो डॉक्यूमेंट्स है Form 1 ये आपको अभी नहीं देना है। पहले क्या करना है, आपको सिग्नेचर और फोटो अपलोड कर लेना है, ठीक है। तो हम इसको स्किप कर देते हैं, आगे चल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बटन पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पर हमें क्या करना है, अभी जो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स ये कंप्लीट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो अपलोड नहीं किया है। तब हम क्या करेंगे, एक और एक्सटेंशन खोलेंगे, क्योंकि हमने पहले क्या करना है, यहाँ पर अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर कर लेना है अपलोड। तो जो हम अपलोड फोटो और सिग्नेचर करेंगे ना, तो सिग्नेचर हमारा डेलीगेशन फॉर्म में आ जाएगा, जो तभी हम उसको जो है स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो न्यू टैब में आप जाएंगे और न्यू टैब में जाने के बाद आप टाइप करेंगे सारथी। तो चलिए हम यहाँ पर सारथी टाइप कर लेते हैं, उसके बाद सर्च के पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ अपना जो स्टेट है आपका वो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर आप जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर 3rd नंबर पे आपको अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपने फर्स्ट बार में प्रिंट निकाला था उसमें आपको एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, उस एप्लीकेशन नंबर को आपने यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप यहाँ पर फिल कीजिएगा, और फिल करने के बाद सिंपली गेट डिटेल्स पे आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए आपका ये इस तरीके से डिटेल्स आ गया है। अब यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो और यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। हमने पहले से स्कैन करके अपने PC में रखा हुआ है फ़ोटो और सिग्नेचर, ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना फ़ोटो चूज़ कर लेंगे, ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर है, ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे
और यहाँ से सिग्नेचर हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपलोड एंड व्यू फाइल पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया, देखिए आपका जो फ़ोटो है और जो सिग्नेचर है वो आ चुका है। अब हम यहाँ पर देखिए पहले वाले पेज में अपलोड डॉक्यूमेंट्स में हमने जो है एक स्टेप छोड़ दिया था, डेलीगेशन जो फॉर्म है वो फिलअप नहीं किया था, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली आप क्या करेंगे, सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल, इस पर जो है आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आप फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद फिर देखते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। आपने कर लिया है अभी एप्लीकेशन डिटेल्स LL यानी लर्निंग लाइसेंस के लिए जो एप्लीकेशन, वो आपने कंप्लीट कर लिया है। आपने फ़ोटो भी कंप्लीट कर लिया है, सिग्नेचर भी कंप्लीट कर लिया है। आपने क्या यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स में दो अपलोड डॉक्यूमेंट्स जो है आपने अपलोड कर दिया है, सेल्फ डेलीगेशन का जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपने अपलोड नहीं किया है। वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे, प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। वापस से सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद फिर इस तरीके से आपका इंटरफेस आएगा। ओके बटन पे क्लिक करेंगे। बिल्कुल आराम से करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको जहाँ भी दिक्कत होता है आप नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको आ जाता है फिर आपका ये डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वन सेल्फ डेलीगेशन। तो अब आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि जो हमारा सेल्फ डेडिकेशन है ये हम कहाँ से जो है अपलोड करें, कहाँ से इसको हम लाएं। तो चलिए हम पहले उसको बताते हैं कि आप जो ये डेडिकेशन फॉर्म है ये आप कहाँ से जो है डाउनलोड करेंगे, तभी तो आप यहाँ पर चूज फाइल पर अपलोड करेंगे। तो चलिए कैसे आपको अपलोड करना है, डाउनलोड करना है आपको बताते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, जैसे डॉक्यूमेंट फॉर्म वन है तो ये आपके पास अभी है नहीं, तो आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रिंट फॉर्म वन आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे वाला नहीं, ये फॉर्म वन ए है। आपको प्रिंट फॉर्म वन जैसा कि वहाँ पे मांग रहा था इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने जो फॉर्म वन है वो आ जाएगा। इस तरीके से आपको सिग्नेचर भी मिल गया, इसलिए हमने वहाँ पर एक स्टेप जो है स्किप कर दिया था ताकि इसमें सिग्नेचर आ जाए। अगर मैं वहाँ पर स्किप नहीं करता तो यहाँ पर जो सिग्नेचर है वो नहीं आता। अब आप सिंपली इसको प्रिंट कर लीजिए और प्रिंट करके यहाँ पर जो आपसे पूछ रहा है ये आपको फिलअप करना है, पेन से टिक मारना है। क्या क्या करना है मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर जो फिल कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, नहीं समझ में आता है, तो आप इसको अपने मोबाइल से गूगल ट्रांसलेट कर लीजिए या किसी अच्छे जानकार जिनको इंग्लिश आता है उनसे पढ़ा लीजिए। उसके बाद अगर आप उस क्राइटेरिया में आते होंगे तो आप अपने हिसाब से लगाइएगा। मैं यहाँ पर पहले वाले में नो पे क्लिक करूँगा, पेन से करूँगा अभी प्रिंट निकालने के बाद, और सेकेंड वाले में यस पे क्लिक करूँगा, थर्ड वाले पे आपको नो पे क्लिक करूँगा और फोर्थ वाले पे आपको यस पे क्लिक करूँगा, फाइव वाले पे आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करूँगा और सिक्स वाले लास्ट वाले पे नो पे क्लिक करूँगा। यानी इस तरह से हम पेन से यहाँ पर ऐसे ऐसे जो है टिक लगा देंगे जैसे हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो चलिए हम इसको पहले प्रिंट कर लेते हैं, उसके बाद इसको स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद वहाँ इसको जो है अपलोड कर देंगे। तो चलिए इसको कंट्रोल पी दबाया। कंट्रोल पी दबाने के बाद यहाँ हमारा जो प्रिंटर है वो सेलेक्ट है। इसका साइज हम थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देते हैं, जैसा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 75 है, 95 कर देते हैं और यहाँ से सिंपली जो है हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। प्रिंट करने के बाद फिर हम इसको पेन से भर देंगे जैसा कि हमने आपको बताया। उसके बाद फिर स्कैन करेंगे और स्कैन करके अपलोड करके वापस से आपको हम दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर स्कैन कर लिया है और जो भी हमें अपने हिसाब से लगा हमने यहाँ पर टिक कर लिया है, ठीक है। आप भी अपने हिसाब से यहाँ पर इस तरह से पेन से टिक कर लीजिएगा और इसको जो है स्कैन कर लीजिएगा 200 KB के अंदर में। तो चलिए अब यहाँ पर हम इसे अपलोड करेंगे फॉर्म वन, और यहाँ पर वन यहाँ पर छोड़ देंगे, डॉक्यूमेंट्स नंबर वगैरह छोड़ देंगे, और यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो है ओपन कर लेंगे, इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए ये अपलोड हो रहा है और देखिए ये हमारा अपलोड हो चुका है। यहाँ से हम कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे
और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने जो है तीनों सक्सेसफुली कंप्लीट अपलोड कर दिया है। सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको सो फोटो एंड साइन है, एप्लीकेशन फॉर्म पर फिलेड है, ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट फॉर्म 1 है और प्रिंट फॉर्म 1A है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर सबका प्रिंट निकाल लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पर कभी कभी होता है कि आपने ये प्रिंट नहीं लाया, वो प्रिंट नहीं लाया, तो आपको मांग सकता है वहाँ पर। तो आप सभी का जो है प्रिंट निकाल लीजिए। आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है एप्लीकेशन डिटेल्स और अपलोड डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट कर लिया है, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर भी कंप्लीट कर लिया है, चढ़ा भी दिया है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक और स्टेप अभी बाकी है जो कि पेमेंट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको सारा डिटेल्स आ जाता है। यहाँ पर आप बैंक गेटवे इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट, उसके बाद ये कैप्चा देंगे, यहाँ पर कैप्चा देने के बाद सिंपली आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे। इसमें आप पे नाउ पे क्लिक करके आपको छोड़ना नहीं है, वरना आपका जो पेमेंट है वो पेंडिंग में चला जाता है, या पे लेटर भी कर देते हैं ना, तो कभी कभी आपका पेंडिंग में चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको फिर दोबारा से कैंसिल करना पड़ेगा, दोबारा ऑनलाइन करना पड़ेगा। इसीलिए आप पेमेंट कर ही दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप आरटीओ ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पर आपको पेमेंट नहीं लेगा, ठीक है। ये जो कैप्चा हमने गलत फिल किया है, यहाँ पर हम बड़ा वाला डब्लू कर लेते हैं। अब पे नाउ पे हम क्लिक करते हैं, मिसमैच कैप्चा टैक्स यहाँ पर लिख रहा है, फिर से हम इस कैप्चे को फिल कर लेते हैं, V35TIT, ठीक है। पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद टर्म्स को हम क्लिक ओके करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, पेमेंट हो जाने के बाद सिंपली आपको वहां पर एक चालान मिलेगा, उसको प्रिंट कर लेना है। अब हमारे पास ये टोटली जो कागज है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम आपको बता दें, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कागज हैं। 7 कागज है। पहला आपका जो हो गया, ये आपका जिसको आपने अपलोड किया था, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो गया जो रिसिप्ट, जो आपने ऑनलाइन पेमेंट किया। उसके बाद ये आपका हो जाता है नॉलेजमेंट पेपर, जो आपने शुरू में फॉर्म फिल किया था। और उसके बाद ये हो जाता है आपका अपलोड करने वाला, ठीक है, ये भी आपको रखना है साथ में। और ये हो जाता है आपको फॉर्म 1A, ये मेडिकल। इस कागज़ में आपको जो है डॉक्टर से, जो सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उनसे चेकअप करवा करके यहाँ पर सिग्नेचर मोहर उनका ले लेना है, ठीक है। और ये जो आपका हो जाता है, ये फॉर्म लर्निंग लाइसेंस के लिए जो आपने अपील किया, वो सारा यहाँ पर डिटेल्स है इसमें, ठीक है। तो अभी आपके पास हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कागज। अभी इसमें एक कागज और कमी है, जो कि आपको ब्लड टेस्ट का मिलेगा। ब्लड टेस्ट का जो ब्लड ग्रुप का मिलेगा, वो आप डॉक्टर से करवा लीजिएगा, और वो सारा कागज को इसके साथ, ब्लड ग्रुप वाला और ये सारा कागज इसके साथ अटैच करना है। और अटैच करने के बाद अभी आपको क्या करना है, अब आपको स्लॉट लेना है। स्लॉट अभी हमने बुक नहीं किया है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आपको जब सुविधा होता है, जब आप फ्री होते हैं, जब आपका कोई काम नहीं होता है, तो आप अपने हिसाब से जो है किस डेट में आप स्लॉट लेना चाहते हैं, यानी किस डेट में आप आरटीओ ऑफिस जाना चाहते हैं, उस डेट में आप ले लीजिएगा। स्लॉट नहीं बुक करना जानते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करके बुक कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं, एक और वीडियो बना देंगे हम, ठीक है। वो कोई बड़ी बात नहीं, आसान है एकदम। जब आप डीटीओ ऑफिस जाएंगे, तब आप वहाँ काउंटर पर जाकर ये सारा फॉर्म उनको देंगे, वो कंप्यूटर पर अप्लाई करेंगे। और अब आता है आपका टेस्ट का बारी। अब वहाँ पर आपको कंप्यूटर दिया जाएगा और आपको 10 सवाल पूछे जाएंगे कंप्यूटर के रिगार्डिंग। वहाँ पर कंप्यूटर के रिगार्डिंग नहीं, सड़क परिवहन के रिगार्डिंग जो नियम है, जो यातायात के नियम में है, चलने का क्या प्रक्रिया है, वो सब पूछा जाएगा। आपको 10 सवाल में 6 सवाल का जवाब आपको दे देना है। यदि आपने 6 सवाल पास कर लिया, तो आपका जो है लर्निंग, वहीं पर जो है लर्निंग लाइसेंस जो होता है, वो पेपर निकाल कर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरह से आता है, अगर आपको नहीं पता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। और एक बार आपको ट्राई कर ही लेना चाहिए, बल्कि 5 बार, 10 बार, 20 बार टेस्ट करके घर में ही, कि आप जो है 6 क्वेश्चन सही कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। जब आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है, उसके बाद
छः महीने तक का आपको टाइम रहता है। एक महीने के बाद आप कभी भी जा सकते हैं वहाँ पर, और फिर आपका DL के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो ये थे कुछ आज का जो प्रोसेस, पूरा मैं विस्तार से बताया हूँ, और DL इस तरह से आप बनवा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं हर रोज़ रोज़ाना। बिहार से हो तब तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ। किसी भी तरह का सुझाव या किसी भी तरह का कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।